नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लगातार देख रहे हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रहे हैं और अब तो हमारा पेड कंसल्टेंसी सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पे हम लोगों को जानकारी भी दे पा रहे हैं और उनको भी एक ही समय पे कम टाइम में बिना अपना दिमाग इधर उधर लगाए एक ही जगह पे एक ही कॉल पे उनको जो समस्या है उनका समाधान भी हो रहा है। जैसे हमने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल बीड़ी या मान लीजिए आपका सिगरेट गोल्ड, ऐसे बहुत सारा स्क्रैप सब्जेक्ट है जिसका हमने पेड कंसल्टेंसी चालू किया है, जिसमें हम लोग 1500 रुपये लेके आधा घंटे का टाइम देते हैं और क्लाइंट को पूरा चीज़ समझा के उसको PDF भेज के या मेल पर भी पूरा जानकारी भेज के देते हैं। अगर उसके बाद भी उसके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और दूसरा, हमने जो पैकेज स्टार्ट किया है अपने काम का, कि अगर कोई एंड टू एंड प्रोजेक्ट कराना चाहता है, यानी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक, मतलब काम स्टार्ट होने तक अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसका भी हमने एक सिस्टम चालू किया है। अगर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो बता देंगे कि उसका क्या फीस है और कैसे हम लोग एक कंपनी के साथ जुड़ के इतना लंबा काम करते हैं, ताकि आपको भी ये फैसिलिटी का फ़ायदा मिल पाए। तो आइए आज के मुद्दे के बाद पे आते हैं कि आज का जो क्वेश्चन था हमारे पास आया हुआ था कि हाउ टू स्टार्ट अ यूज्ड बुक बिजनेस। कि अगर इनके पास यूज्ड बुक, मतलब मान लीजिए कोई किताब खरीद रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद दे रहा है किसी को या कबाड़ी में बेच दे रहा है, तो ऐसा अगर इनको बिजनेस करता हूँ यूज्ड बुक का, तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसी किताबें जो पहले में यूज आ चुकी हैं, किसी ने सेल कर दिया है। देखिए, बिजनेस तो हमेशा यूनिक ही होता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो सके मैंने एक किताब पढ़ ली, मेरे लिए ये पुराना हो गया, मैंने सेल आउट कर दिया। मगर ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ ऐसा कोई आदमी है जो इस किताब को खोज रहा है, वो आज तक नहीं पढ़ा, तो उसके लिए वो जब भी वो चीज़ मिलेगा तो नया ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ सकते हैं, अगर आपके पास यूज बुक है और बहुत सस्ता में आपको कहीं से यूज किताबें मिल जा रही हैं, जैसे पुराना यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या बहुत सारे NGOs हैं जो ऐसा दान में दे देते हैं, तो अगर आपके पास भी कहीं से ऐसा बहुत अच्छा कलेक्शन हो सकता है तो आप भी इसका एक ऐसे बिजनेस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने घर में, या मान लीजिए खाली जगह है, या किसी NGO के साथ जुड़ के आप एक लाइब्रेरी चालू कर सकते हैं पुराने बुक्स का, जहाँ पे कोई आए और फ्री में बुक्स पढ़े, या मान लीजिए 5 रुपये 10 रुपये आपका बुक्स पढ़ना फ्री रहे, अगर घर ले जाना चाहता है तो 5 रुपये में एक सप्ताह के लिए या पूरे महीने के लिए ले जाए, पढ़े और आपको दे। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपना जो स्क्रैप के माध्यम से भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर कटिंग करके या बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करके। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप यूज्ड बुक आपको मिलता है तो अगर आप लाइब्रेरी खोल दीजिए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ जाइएगा और बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। और लाइब्रेरी में आप इनकम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि आप एक मेम्बरशिप चालू कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों से मेम्बरशिप लेके उनको किताब पढ़ने का मौका दे सकते हैं और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ या नई कंपनियों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके लाइब्रेरी में, यूज लाइब्रेरी में वो अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कर पाएँ या कुछ होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट लगा पाएँ या विजुअल लगा पाएँ, ताकि आपके पास जब ज़्यादा आदमी आएगा और उनका एडवर्टाइजमेंट होगा तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये तरीके से आप इसको यूज बुक के बिजनेस को कमर्शलाइज तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपका काम अच्छा हो और आपका बिजनेस चले। और अगर आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा समझना है तो हमारा जो पेड कंसल्टेंसी है, जिसमें हम लोग 30 मिनट्स का 1500 रुपये लेके पूरा बिजनेस के बारे में बिजनेस प्लान बना के गाइड करते हैं, अगर आपको भी इस फॉर्मेट पे काम करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये चीज़ हम आपको बना के देंगे, ताकि आपका काम भी चले और आपका बिजनेस ग्रो हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।